नाउ स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री के 15.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। अ ट्री ऑफ 180 डेसीमीटर हाइट ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री डायरेक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको हमने बता रखा है कि आपने क्या करना है, आपने वैल्यू देख ली, एक ये है और 30 का एंगल देखा आपने, तो आपने क्या किया, ट्रायंगल 30 डिग्री का होगा। आपने फ़ौरन देखें, यहाँ हमने ट्रायंगल बना लिया है, ये हमने 30 का ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद ये बताया कि ट्री है, ट्री की हाइट है, ये क्या है, ये एक ट्री है समझें, और ये इस ट्री की ये ट्री है, ठीक है, ये है एक ट्री, ये रहा ये ट्री, और ट्री की हाइट कितनी है, 180 डेसीमीटर, ये 180 डेसीमीटर ट्री की हाइट बना दी है। इसके बाद है विड्थ कहा है, तो ये एक रिवर है, तो रिवर की विड्थ किससे होगी, ये एक रिवर है और ये 30 के एंगल पर रिवर की विड्थ को एक्स से हमने सपोज किया है और ये मालूम करनी है। आप ये बात जानते हैं, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं जिनमें एक जो गिवन साइड होती है और एक जो पूछी गई साइड होती है, रिक्वायर्ड साइड होती है, मीन्स उन दोनों को हमें ज़रूर रखना है लाजमी, इन दोनों का हमें रिलेशन बनाना है। इनका रिलेशन देखें, थीटा के साथ हम जब नेम देंगे, द अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज़ परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड ऑफ परपेंडिकुलर इज़ बेस। नाउ थीटा के सामने वाला ज़िला अमूद कहलाएगा और अमूद के बराबर वाला ज़िला कायदा कहलाएगा। कायमा तो जाविया मुसलस में कायमा जाविये के सामने वाला ज़िला वितर कहलाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखी, हमें इन दोनों की नीड थी। इन दोनों में अगर हम रेशो बनाते हैं तो ये देखें, ये हमने डेटा निकाला है, आपकी मर्ज़ी, आप डेटा निकालें या ना निकालें, आप विदाउट डेटा भी ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने यहाँ आपको डेटा निकाल के बता दिया है, आपकी मर्ज़ी है, बाकी सवाल की प्रैक्टिस में आप निकालें या ना निकालें। अभी हम अगर रिलेशन बनाते हैं तो देखिए, हमने ये इक्वल लगाया है, हम थीटा यहाँ बाद में लिख लेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ से हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, और उर्दू में परपेंडिकुलर का नाम क्या है, अमूद बटा, और यह हो जाएगा कायदा, अमूद बटा कायदा। अब अमूद की कोई वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर की, 180 है, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 180, और हमें जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स है, और एक्स हमें मालूम करना है, ये हमने एक्स लगा दिया है। इस रेशो पर यहाँ जो थीटा बन रहा है, वो थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है 10, तो हमने लिखा 10 और कितना डिग्री, 30 डिग्री उन्होंने दिया है। अब वो जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, हम उसको निकाल लेते हैं अलग से, हमें किसको निकालना है, हमने लिखा 10 30 डिग्री इज़ इक्वल 180 एंड ऑब्लिक एक्स, एक्स हमने लगा दिया। अब 10 30 की अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर में वैल्यू देखनी आपको आती है, आप जानते हैं कि 10 30 की वैल्यू हमें कैसे देखनी है। आपने क्या किया, 10 प्रेस किया, ये देखें जरा 10 प्रेस किया, और फिर कितना प्रेस किया ये स्क्रीन पर हम कर लेते हैं, फिर 30 प्रेस किया एंड इक्वल लगा दिया, तो 0.577 इसकी वैल्यू आई है। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर 0.577 इसकी वैल्यू लगा दी है एंड 180 एंड ऑब्लिक एक्स लगा दिया। अब हमने आपको बता रखा है ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी प्लेस, या बाय क्रॉस करके भी आप बाहर निकालें तब भी वही रिज़ल्ट रहेगा, तो बेहतर है आप, ये आपकी को सहूलत रहेगी। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए एक्स को हम यहाँ रख लेते हैं और ऑब्लिक लगा के 0.577 को हम वहाँ ले आते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता एक दूसरे के साथ, ये अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, 180 डिवाइडेड बाय। अभी आप देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 180, ये हमने लिखा 180 लिखा एंड डिवाइडेड बाय 0.577, और ये इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास आया 311.95। तो हम क्या करें, 95 है, अगर राउंड अप करेंगे और हम 5 को ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो ये 10 बन जाएगा, इसे ऐसी कंडीशन में इसको ऐसा ही छोड़ दें। आप चाहें तो इस 8 को यहाँ करके इसको 6 कर सकते हैं, राउंड अप कहलाता है, 311.95 इतना लिख दें, 311 क्या बना हमारे पास, 311 पॉइंट, ये देखें 311.95
तो ये हमने लिख दिया यहाँ 311.9595। और क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने यूनिट में डेसीमीटर दिया और हमने वैसे भी एक्स डेसीमीटर सपोज किया था, तो यूनिट हो गया डेसीमीटर। अब हम इसका आंसर कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे, जो हमने सपोज किया, हमने क्या सपोज किया डेटा में, हमने लिखा है विड्थ ऑफ रिवर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने लिखा देयरफॉर द विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल 311.95 डेसीमीटर। यह आपका आंसर है। अब आपने क्या करना है, इस सवाल को बार बार करके देखना है, कम से कम 2 से 3 मर्तबा करना है, तब आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आ जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस रखनी है और ऐसे और मज़ीद सवालात करके देखने हैं। और अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जो कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, वह आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रैक्टिस जारी रखनी है। मैथमेटिक्स में वही आगे निकलेगा स्टूडेंट जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए प्रैक्टिस अपनी करते रहें, प्रैक्टिस जारी रखें। डेली कोई ना कोई क्वेश्चन आप करके देखेंगे, सम्स करके देखेंगे, प्रॉब्लम्स करके देखेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पेपर शानदार ना हो। और इस एक्सरसाइज में से हमने आपको बताया है कि इसमें से लाजमी समझें कि एनुअल में पेपर में आपका सवाल होता है, लाजमी होता है। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। चंद बातें याद रखेंगी तो आप आसानी से कर सकेंगे इसे, याद रखेंगी या याद रखेंगे स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ सब इसके ऊपर भरपूर तवज्जा दें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। अल्लाह हाफिज़।